ये लखनऊ में बेगम हजरत महल पार्क है, उसके सामने ये बना हुआ है। अब अंदर चलते हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पर बाबा साहब और साहू जी महाराज, फूले जी महाराज की नेम प्लेट हटा दी गई है। ये वीडियो आप लगातार शेयर करिए, लाइव वीडियो में आपको लाइव दिखा रहा हूँ। इसमें आप स्वयं मूल्यांकन करिए कि वर्तमान सरकार कितना हमारा साहित्य मिटाने की कोशिश कर रही है। जो लोग कह रहे थे कि अंबेडकर महासभा में जो लोहे का बोर्ड और के आर नारायण की जो पट्टिका हटाई गई थी वो एक केवल धोखे से, पीपल के वृक्ष धोखे से गिर गई, ऐसा नहीं था, ये साजिश के तहत हो रहा है। ये देखिए ये जो स्टैचू है वो बाबा साहब की स्टैचू है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये बाबा साहब की स्टैचू। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर बाबा साहब की इंफॉर्मेशन देने वाला पूरा बोर्ड लगा था, लेकिन देखिए दिखाइए हर जगह से, यहाँ से बोर्ड को निकाल के तोड़ के हटा दिया गया है, सारा इतिहास मिटाया जा रहा है यहाँ से। बाबा साहब की स्टैचू का जो भी इनका नाम लिखा था बाबा साहब का, पूरी इंफॉर्मेशन हटा दी गई है। और इसके पीछे भी एक दूसरा बोर्ड लगा हुआ था, ये लगा था यहाँ, ये इन्फॉर्मेशन पट्टिका, इसको भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ये देखिए इसके पूरे निशान बने हुए हैं, आज भी निशान बने हुए हैं। और ये इनके चारों तरफ से यहाँ से निकल मनवादी सरकार ने, जब से बीजेपी सरकार आई है तो उत्तर प्रदेश में, इनको निकाल के उखाड़ के बाहर फेंक दिया गया है। और दिखाते हैं आपको साहू जी ज्योतिबा फुले साहब की जो स्टैचू लगी है, यहाँ पर भी वही हाल किया गया है। हम आपको साहू जी ज्योतिबा फुले साहब की स्टैचू दिखाते हैं, जो सामाजिक परिवर्तन इसमें चौक पे लगी हुई है। ये ज्योतिबा फुले साहब की स्टैचू है। और यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन पट्टिका ये पूरी गायब कर दी गई है। ये देखिए काटी गई है बकायदा, आरी से काटी गई है। देखिए आप देख सकते हैं पूरा, ये जो चीज है देखिए, ये जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की स्टैचू है, और यहाँ पर पीतल की पट्टिका लगी हुई थी और मेटल की पट्टिका थी और वो हटा दी गई। देखिए ये आप सुराख इसमें देख सकते हैं, और ये पट्टिका के पूरे निशान भी हैं। देखिए आरी रेती से काटी गई है, और देखिए ये रेती से काटी गई है, बकायदा आरी से इसको काटा गया है। आप देख सकते हैं इसको, मेरे हमारी उंगली का निशान देख करके ये पूरा है। इस तरह से बहुजन का जो हमारा स्तंभ बनाया था वो मिटाया जा रहा है। ये देखिए इसके बाद हम चलते हैं अगली स्टैचू है। देखिए यहाँ भी देखिए दोनों तरफ प्लेट लगी हुई थी इंफॉर्मेशन, देखिए आप देख रहे हैं पूरा का पूरा इतिहास मिटाया जा रहा है, जब कोई इसके विषय में कोई इन्फॉर्मेशन किसी को मिल ना सके। ये देखिए चारों तरफ से पूरी पट्टिकाएं गायब की गई हैं, काट के निकाला गया है। और देखिए नारायणा गुरु की जो स्टैचू है, वहां से भी सेम यही काम किया गया है। आपको दिखाते हैं पूरी की पूरी, जितनी जल्दी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। ये है नारायणा गुरु, ये नारायणा गुरु की स्टैचू है, और यहाँ से भी वही हाल है। ये देखिए पूरा का पूरा निशान बना हुआ है, और इस पट्टिका यहाँ से गायब की जा चुकी है। ये बहुजन इतिहास मिटाने की पूरी साजिश है मनवादी सरकार की। ये देखिए हर तरफ से, इसके पीछे भी पट्टिका है, इसके पीछे की पट्टिका भी गायब की जा चुकी है। ये देखिए ये होल दिखा रहे हैं आपको, ये दिखा रहे हैं सारा। ये देखिए रेती से काटा गया है, बकायदा रेती से काटा गया, गहरी जिसको देखने की जरूरत है, रेती से इस काट के इसको हटाया गया है। ये सरकार की बिना मनसा के कभी भी हो नहीं सकता है। ये बहुजनों का इतिहास यहाँ से पूरी तरीके से गायब किया चुका। साहू जी महाराज की स्टैचू है, साहू जी महाराज की स्टैचू के साथ भी यही दशा की गई है। जो आरक्षण के जो जनक हैं इस देश में, उन्होंने जहां हमें शोषित वंचितों को शासन सत्ता में भागीदारी देने की बात की, ये उनकी वो है। ये स्टैचू देखिए पूरा छत्रपति साहू जी महाराज की स्टैचू है, लेकिन आप देखिए पूरा दिखाई दे रहा होगा आपको, और यहाँ पर भी वही हाल हुआ है। यहाँ से अभी नेम प्लेट और जो इन्फॉर्मेशन प्लेट थी, उनका जो इतिहास लिखा हुआ था वो मिटा दिया गया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा होल्स, ये पूरा देखो निशान दिखाई दे रहा होगा आपका, ये पूरा जो निशान था यहाँ, और ये हटा दिया गया। ये देखिए ये भी आप देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये पूरा यहाँ से होल्स के साथ यहाँ पर पीतल की प्लेट लगी हुई थी, मेटल की प्लेट थी, और जो बॉर्डर भी दे रहा है।
जो से लिए। तो ये जो बहुजन समाज का जो इतिहास है, जो बसपा के कार्यकाल में जो स्थापित किया गया था, ये समझिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मेरे जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये सामाजिक परिवर्तन स्थल चौक है। ये बेगम हजरत महल के जस्ट सामने बना हुआ है और ये बेगम हजरत महल का जो पार्क है, इसका उद्घाटन 14 अप्रैल 1997 को जो वर्तमान मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती, उन्होंने इसका किया था। तो आप समझ लीजिएगा कि इसकी जो इतिहास को मिटाने की, जो लोग कह रहे थे कि अंबेडकर महासभा में जो बोधि वृक्ष का जो इंफॉर्मेशन तोड़ा गया था, जो उनका लोहे का बोर्ड हटाया गया था, वो उसमें निर्मल शामिल थे, क्योंकि अंबेडकर महासभा में जो कुछ भी होता है वो कौन वो करता है, वो वहाँ की कार्यकारिणी करती है, और वहाँ इतनी चीजें चोरी हुई, हटाई गई, ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ। अब देखिए, यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन था, ये तथागत गौतम बुद्ध की स्टैचू है और इनकी जानकारी देने वाला यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगा था, और ये आज इन्फॉर्मेशन बोर्ड गायब है। ये मेरे, आप देख रहे होंगे मेरे ऊपर, देखिए बिल्कुल, आप अब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, ये जो मेरी उंगली है ऊपर देखिएगा, यहाँ पर दो सुराख है, यहाँ से ये इतिहास मिटा दिया गया है। क्यों, ये कौन लोग हैं ये जो इतिहास मिटा रहे हैं? ये बहिर्मनवादी लोग हैं जिन्होंने सम्राट अशोक का इतिहास मिटाने का कार्य किया था। ये वही लोग हैं जो आज आधुनिक युग में सत्ता में बैठ करके इतने तानाशाह हो गए हैं कि वो इन बोर्ड को हटा करके हमारी संस्कृति को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। आप पूरा देख सकते हैं, ये वाली भी है, चारों यहाँ पे चार मूर्तियां तथागत गौतम बुद्ध की थी और जिस पर ऊपर इंफॉर्मेशन था, यहाँ पर भी ये पूरा गायब कर दिया गया है। तो मेरा अपने सभी साथियों से निवेदन है, इस वीडियो को, लाइव वीडियो को शेयर करिए, अपने उन लोगों को चर्चा का विषय बनाइए कि वर्तमान सरकार किस तरह से बहुजन महापुरुषों की ये जो इतिहास है उसे मिटाने का कार्य कर रही है। ये तीसरी चार हैं इस चौक पे, चार मूर्ति स्टैचू हैं, आप देख सकते हैं पूरा, जरा उंगली करके पूरा बताइए पूरे में। ये रही चौथी, तीसरी स्टैचू का जो बोर्ड लगा था, इस बोर्ड को भी काट के निकाल दिया गया। हमने ये देखा, ये लखनऊ में बेगम हजरत महल पार्क है, उसके सामने ये बना हुआ है। अब अंदर चलते हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पर बाबा साहब और साहू जी महाराज, फूले जी महाराज की नेम प्लेट हटा दी गई है। ये वीडियो आप लगातार शेयर करिए, लाइव वीडियो में आपको लाइव दिखा रहा हूँ, इसमें आप स्वयं मूल्यांकन करिए कि वर्तमान सरकार कितना हमारा साहित्य मिटाने की कोशिश कर रही है। जो लोग कह रहे थे कि अंबेडकर महासभा में जो लोहे का बोर्ड और के आर नारायण की जो पट्टिका हटाई गई थी वो एक केवल धोखे से, पीपल के वृक्ष से धोखे से गिर गई, ऐसा नहीं था, ये साजिश के तहत हो रहा है। ये देखिए, ये जो स्टैचू है वो बाबा साहब की स्टैचू है, ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये बाबा साहब की स्टैचू, और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर बाबा साहब की इंफॉर्मेशन देने वाला पूरा बोर्ड लगा था, लेकिन देखिए दिखाइए, हर जगह से यहाँ से बोर्ड को निकाल के तोड़ के हटा दिया गया है, सारा इतिहास मिटाया जा रहा है यहाँ से। बाबा साहब की स्टैचू का जो भी इनका नाम लिखा था बाबा साहब का, पूरी इंफॉर्मेशन हटा दी गई है, और इसके पीछे भी एक दूसरा बोर्ड लगा हुआ था, ये लगा था यहाँ, ये इंफॉर्मेशन पट्टिका, इसको भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ये देखिए, इसके पूरे निशान बने हुए हैं, आज भी निशान बने हुए हैं, और ये इनके चारों तरफ से यहाँ से निकल मनवादी सरकार ने, जब से बीजेपी सरकार आई है तो उत्तर प्रदेश में, इनको निकाल के उखाड़ के बाहर फेंक दिया गया है। और दिखाते हैं आपको, साहू जी ज्योतिबा फुले साहब की जो स्टैचू लगी है, यहाँ पर भी वही हाल किया गया है। हम आपको साहू जी ज्योतिबा फुले साहब की स्टैचू दिखाते हैं, जो सामाजिक परिवर्तन इसमें चौक पे लगी हुई है। ये ज्योतिबा फुले साहब की स्टैचू है, और यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन पट्टिका ये पूरी गायब कर दी गई है। ये देखिए, काटी गई है बकायदा, आरी से काटी गई है। देखिए, आप देख सकते हैं पूरा, ये जो चीज है, देखिए ये जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की स्टैचू है, और यहाँ पर पीतल की पट्टिका लगी हुई थी और मेटल की पट्टिका थी, और वो हटा दी गई। देखो, ये आप सूरा किस में देख सकते हैं,
और ये पट्टिका के पूरे निशान भी हैं। देखिए आरी रेती से काटी गई है, और देखिए ये रेती से काटी गई है, बकायदा आरी से इसको काटा गया है। आप देख सकते हैं इसको, मेरे हमारी उंगली का निशान देख करके ये पूरा है। इस तरह से बहुजन का जो हमारा स्तंभ बनाया था वो मिटाया जा रहा है। ये देखिए, इसके बाद हम चलते हैं अगली स्टैचू है। देखिए यहाँ भी देखिए, दोनों तरफ प्लेट लगी हुई थी इंफॉर्मेशन। देखिए आप देख रहे हैं पूरा का पूरा इतिहास मिटाया जा रहा है, जब कोई इसके विषय में कोई इन्फॉर्मेशन किसी को मिल ना सके। ये देखिए चारों तरफ से पूरी की पूरी पट्टिकाएं गायब की गई हैं, काट काट के निकाला गया है। और देखिए नारायणा गुरु की जो स्टेचू है वहाँ से भी सेम यही काम किया गया है। आपको दिखाते हैं पूरी की पूरी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। ये है नारायणा गुरु, ये नारायणा गुरु की स्टैचू है, और यहाँ से भी वही हाल है। ये देखिए पूरा का पूरा निशान बना हुआ है, और इस पट्टी का यहाँ से गायब की जा चुकी है। ये बहुजन इतिहास मिटाने की पूरी साजिश है मनुवादी सरकार की। ये देखिए हर तरफ से, इसके पीछे भी पट्टिका है, इसके पीछे की पट्टिका भी गायब की जा चुकी है। ये देखिए ये दिखा रहे हैं आपको, ये दिखा रहे हैं सारा, ये देखिए रेती से काटा गया है, बकायदा रेती से काटा गया है, गहरी जिसको देखने की जरूरत है, रेती से इस काट के इसको हटाया गया है। ये सरकार की बिना मनसा के कभी भी हो नहीं सकता है। ये बहुजनों का इतिहास यहाँ से पूरी तरीके से गायब किया चुका। साहू जी महाराज की स्टैचू है, साहू जी महाराज की स्टैचू के साथ भी यही दशा की गई है। जो आरक्षण के जो जनक हैं इस देश में, उन्होंने जहां हमें शोषित वंचितों को शासन सत्ता में भागीदारी देने की बात की, ये उनकी वो है। ये स्टैचू देखिए पूरा छत्रपति साहू जी महाराज की स्टैचू है, लेकिन आप देखिए पूरा दिखाई दे रहा होगा आपको, और यहाँ पर भी वही हाल हुआ है। यहाँ से अभी नेम प्लेट और जो इन्फॉर्मेशन प्लेट थी उनका जो इतिहास लिखा हुआ था वो मिटा दिया गया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा होल्स, ये और ये पूरा देखो निशान दिखाई दे रहा होगा आपका, ये पूरा जो निशान था यहाँ, और ये हटा दिया गया। ये देखिए ये भी आप देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा होगा आपको, ये पूरा यहाँ से होल्स के साथ यहाँ पर पीतल की प्लेट लगी हुई थी, मेटल की प्लेट थी, और जो बॉर्डर भी दे रहा है जो इस तरह से लिए। तो ये जो बहुजन समाज का जो इतिहास है, जो बसपा के कार्यकाल में जो स्थापित किया गया था, ये समझिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मेरे जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये सामाजिक परिवर्तन स्थल चौक है। ये बेगम हजरत महल के जस्ट सामने बना हुआ है, और ये बेगम हजरत महल का जो पार्क है, इसका उद्घाटन 14 अप्रैल 1997 को जो वर्तमान मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती, उन्होंने इसका किया था। तो आप समझ लीजिएगा कि इसकी जो इतिहास को मिटाने की, जो लोग कह रहे थे कि अंबेडकर महासभा में जो बोधि वृक्ष का जो इन्फॉर्मेशन तोड़ा गया था, जो उनका लोहे का बोर्ड हटाया गया था, वो उसमें निर्मल शामिल थे, क्योंकि अंबेडकर महासभा में जो कुछ भी होता है वो कौन वो करता है, वो वहाँ की कार्यकारिणी करती है, और वहाँ इतनी चीज़ें चोरी हुई, हटाई गई, ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ। अब देखिए यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन था, ये तथागत गौतम बुद्ध की स्टैचू है, और इनकी जानकारी देने वाला यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगा था, और ये आज इन्फॉर्मेशन बोर्ड गायब है। ये मेरे आप देख रहे होंगे मेरे ऊपर, देखिए बिल्कुल आप अब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, ये जो मेरी उंगली है ऊपर देखिएगा, यहाँ पर दो सुराख है, यहाँ से ये इतिहास मिटा दिया गया है। क्यों, ये कौन लोग हैं ये जो इतिहास मिटा रहे हैं? ये वही मनुवादी लोग हैं जिन्होंने सम्राट अशोक का इतिहास मिटाने का कार्य किया था। ये वही लोग हैं जो आज आधुनिक युग में सत्ता में बैठ करके इतने तानाशाह हो गए हैं कि वो इन बोर्ड को हटा करके हमारी संस्कृति को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। आप पूरा देख सकते हैं, ये वाली भी है, चारों यहाँ पे चार मूर्तियाँ तथागत गौतम बुद्ध की थी, और जिस पर ऊपर इन्फॉर्मेशन था, यहाँ पर भी ये पूरा गायब कर दिया गया है। तो मेरा अपने सभी साथियों से निवेदन है, इस वीडियो को, लाइव वीडियो को शेयर करिए, अपने उन लोगों को चर्चा का विषय बनाइए कि वर्तमान सरकार किस तरह से बहुजन महापुरुषों की ये जो
इतिहास है उसे मिटाने का कार्य कर रही है। ये तीसरी चार हैं इस चौक पे, चार मूर्ति स्टैचू हैं, आप देख सकते हैं पूरा, जरा उंगली करके पूरा बताइए पूरे में। ये रही चौथी तीसरी स्टैचू का जो बोर्ड लगा था, इस बोर्ड को भी काट के निकाल दिया गया।